खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर 7C न्यूज चैनल। आइए देखते हैं उत्तराखंड से हमारे संवाददाता तरसेम सिंह तोमर की यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर चमोली जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। सरकार के आदेश के बाद 31 मार्च तक 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को सावधानियां बरतने के निर्देश भी दिए हैं। इस समय कोरोना वायरस से पूरे देश में भय का माहौल व्याप्त है, जिसे देखते हुए सरकार ने 31 मार्च तक सभी विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था भी की जा चुकी है। जिले के सभी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और उन्हें पैम्पलेट के माध्यम से सभी सावधानियां बरतने के लिए बताई जा रही हैं। चमोली में जितने भी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने के निर्देश शासन स्तर से हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी VCs ली गई हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे पास जो आइसोलेशन वार्ड हैं वो 24 हैं और जो जनपद में कुल PPT किट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, वो 25 हैं और N95 मास्क हमारे पास 22 हैं और कुल BTM हमारे पास 25 किट्स हैं और जो यहाँ पर जो 20 पैसेंजर्स विभिन्न देशों से थराली और घाट क्षेत्र से, ये चीन, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, नेपाल से आने वाले यात्रियों की संख्या है वो 20 है। उनमें करीब 7 का होम आइसोलेशन पूर्ण हो चुका है और करीब 10 जो है होम आइसोलेशन में अभी वर्तमान में है और कहीं भी कोई भी पैनिक नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट में और एहतियात के तौर पर स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है और पूरी निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग सभी जगहों पर हाई अलर्ट पर है और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। पंपलेट्स बिकवाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं कि डूज एंड डोंट्स को प्रसारित किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से और सभी ग्राम पंचायतों तक को हमने अवेयरनेस स्कीम के तहत लिया है और यहाँ पर किसी भी तरह की अभी तक कोई रिपोर्टेड कोरोना वायरस जो COVID-19 है उसका अभी तक कहीं भी कोई जो है तो केस नहीं है और इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और जो भी हमारी कॉलर ट्यून आ रही है उसमें इसको इनबिल्ट कर दिया गया है सरकार के द्वारा और उसमें गाइडलाइंस जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने हैं उस प्रोटोकॉल को सभी को फॉलो करना।